रविंदर सिंह, बड़े दिल के अंदर ठेस है और आज युवा जाग चुका है कि हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। बलविंदर सिंह जी, आज पूरा भारत बंद है, पंजाब भी बंद है, उत्तर प्रदेश बंद है और हरियाणा भी बंद है, हिमाचल भी बंद है। आज दिल्ली के अंदर जब लोग सोए हुए थे, आज दिल्ली के अंदर भी लोग जाग चुके, तो आपका कैसा मानना है? मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मनुवाद की छुट्टी होगी और सरकारें हिल चुकी हैं और उन्हें पता लग गया कि अगर दलित एकता से टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आज बहुजन समाज ने अपनी एकता दिखाकर यह सिद्ध भी कर दिया कि अगर कोई बहुजन समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी सरकार हो या सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो, अगर उनके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो यह बहुजन समाज उस सरकार को उखाड़ फेंकने की भी ताकत रखता है और ऐसी कोर्टों को भी उखाड़ के फेंक सकता है। बलविंदर सिंह जी, अभी देखा गया तो एक यहाँ पर अपने आप को चमार घोषित कर रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी की बात की तो यहाँ लाखों लोगों ने विरोध कर दिया, विरोध ना कर दिया कि उनको मंच छोड़ के भागना पड़ा। ये लोग संसद में तो बोलते नहीं है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ लाखों की तादाद में हमारी जनता, लाखों की तादाद में पब्लिक है, यहाँ श्रेय लेने के लिए आ गए थे। सर, जब तक इन लोगों को नहीं लगा कि बहुजन समाज निकलेगा, तब तक ये जो नालायक सांसद थे इन्होंने बोला नहीं। जब लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम चलता रहा, उसके बाद ये लोग निकल के आए और बहुजन समाज से क्रेडिट लेने की कोशिश करी, और जबकि ये किसी नेता, किसी संगठन, किसी की पावर नहीं है, ये सिर्फ समाज की ताकत, बहुजन युवाओं की ताकत, उसकी बदौलत ये आंदोलन देश भर में खड़ा हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ जब बहुजन समाज के लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया और भारत बंद करके दिखा दिया और सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। बलविंदर जी, आपको लगता है कि जो मंच लगा था, यहाँ किसी का बैनर नहीं था, किसी का पार्टी का बैनर नहीं था, किसी संगठन का बैनर नहीं था, और बिगर बैनर के जैसे 14 अप्रैल में बहुत तादाद के अंदर यह पब्लिक आती है, उसी चीज़ को लेके यहाँ पब्लिक इतनी बहुत तादाद के अंदर आ गई कि जो संसद मार्ग यहाँ तो थी लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर इतनी आवाम थी, उन्होंने दिखा दिया कि आज भारत बंद है। ये बात आपकी एकदम सही है। हमारे जो लोग हैं, अगर बाई चांस किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सिंबल लग जाता तो शायद ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहता, ये किसी नेता की प्रॉपर्टी बन जाता, जो एक सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। आजकल हर व्यक्ति अपने आप को नेता बनना चाहता है। हमें याद है कि मैं माफ़ी चाहूँगा नाम ले रहा हूँ उन व्यक्ति का, जब हमारी इस बात पर विषय पर बात हुई थी माननीय अशोक भारती जी की, 22 तारीख को जब उन्होंने ऐलान की बात कही थी तो अशोक भारती जी ने एक बात कही थी, बलविंदर जी यह आंदोलन किसी भी हालत में किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए। जो बात आज तक हमें याद है, जब हम मेरठ गए थे 21 तारीख को मेरठ गए थे और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आरपी सिंह जी हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग थी, वहां से वापस आते हुए घटना के बारे में हमें जानकारी मिली, इस एक्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा आया, तब उन्होंने ये बात रखी थी। उसके बाद हमने एक बात कही, ये किसी व्यक्ति का आंदोलन न बनके समाज का आंदोलन बन जाए। और आपने देखा, आपने खुद देखा कि 25 तारीख से लगातार कार्यक्रम हमारे चलते जा रहे हैं और आने वाले समय में अब असली काम शुरू होगा। ये जो हमारे सांसद हैं, बहुत अच्छी बात कही बलविंदर जी। अभी जनक लाल चमार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मंच पे चढ़े तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम जनक लाल चमार है और मैं सांसद हूँ और मैं ऐसी पार्टी का सांसद हूँ। जब उन्होंने पार्टी का नाम लिया तो यहाँ पब्लिक के अंदर रोष प्रकट हो गया, वो तो जल्दी से मंच से उतर गए, नहीं तो यहाँ पता नहीं किस तरीके की एक ऐसी घटना हो जाती है। ये हमारे नेताओं को जब वोट की राजनीति करनी होती है तो अपने नाम के आके जाति लगा लेते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारों के लिए बोलना होता तो नपुंसकों की तरह अंदर बैठ जाते हैं, वहाँ पे न बोलते हैं न कभी आगे निकल के बोलते हैं और सड़कों पे आने की जगह हमारे ही लोगों का शोषण करते हैं। अगर ये नालायक अगर नहीं होते तो शायद चंद्रशेखर आज बाहर होता, आज हमारे ऊना जब ऊना का कांड हुआ तो हमारे बच्चों की पिटाई नहीं होती, अगर ये लोग नालायक नहीं होते तो गुजरात में जो हमारे एक बच्चे का हत्या हुई है वो हत्या ही नहीं होती। ये नालायक है, ये नालायक से वोटों की राजनीति करते हैं और इसका आज का युवा कट्टर विरोध करता है। और हम लोग एक बात कहेंगे, जनाब हमारे दिलों में जगह बनाओ, ना कि हमारे सर के ऊपर। अगर सर के ऊपर चढ़ोगे तो हम जितना चढ़ाना चाहते हैं तो नीचे उतारना भी जानते हैं, जितना आपको बनाना चाहते हैं उतना आपको जमीन में घुसेड़ना भी जानते हैं।